ठाकुर एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी यादों की डायरी से आप सबके लिए एक प्यारी सी प्रेम कहानी लेकर, सच्चा प्यार। सो आइए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारी सी प्रेम कहानी। हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। सो दोस्तों, ये कहानी है जतिन की, जो एक बहुत ही होशियार लड़का था जो कॉलेज में पढ़ता था, और महक भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन वो जतिन को बहुत प्यार करती थी। जतिन एकदम ऑनेस्ट लड़का था, उसे फालतू का हंसी मजाक करना, घूमना फिरना, टाइम पास करना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, और महक उसकी इसी अदा पर फिदा थी। तो दोस्तों, कॉलेज की छुट्टियां पड़ने वाली थी और महक यहाँ इस बात से परेशान थी कि वो जतिन से अपने दिल का हाल कैसे बयां करे। सो वो जतिन के दोस्त सुनील से मिलती है और उसे कहती है कि वो जतिन से बहुत प्यार करती है और अपने दिल की बात जतिन को बताना चाहती है। सुनील उससे कहता है कि मैं इस मामले में तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। महक कहती है कि मैं तुम्हें एक लव लेटर दूंगी, वो तुम जतिन तक पहुंचा देगा। सुनील हाँ कर देता है और महक अगले ही दिन एक लव लेटर लिखती है जिसमें वो जतिन से अपने प्यार का इजहार करती है और उसके आगे शादी का प्रपोजल रख देती है। फ्रेंड्स, सुनील वो लव लेटर लेके जतिन के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि वो सुबह ही अलीगढ़ के लिए निकल गया और वो एक सप्ताह के बाद आएगा। अब ये एक सप्ताह का इंतजार महक के लिए सालों का बन गया था। वो बहुत परेशान हो गई थी कि वो गांव गया है, वहां किसी लड़की से शादी तो नहीं कर लेगा, मंगनी तो नहीं कर लेगा। लेकिन फाइनली एक हफ्ते बाद जतिन वापस आता है और सुनील वो लेटर उसे जाकर दे देता है। जतिन जब वो खत पढ़ता है और महक के प्यार का इजहार, शादी की बातें, उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो लेटर लेके महक के घर पहुंच जाता है, जहां उसे महक के बाबूजी और माँ मिलते हैं और उन्हें जाके सारी बातें बता देता है। वो कहता है कि अगर महक मुझे पसंद करती है और अगर आप लोगों की मंजूरी है तो आप आकर मेरे माँ पिताजी से बात कीजिए, अगर वो मान जाते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है महक से शादी करने में। जतिन की ये ईमानदारी देखकर महक के माँ और बाबूजी बहुत खुश होते हैं कि उसने महक का कोई फायदा नहीं उठाया, वो सीधा उनके पास पहुंच गए। दोस्तों, दोनों के परिवार वालों की रजामंदी से महक और जतिन की शादी हो जाती है, महक को उसका प्यार मिल जाता है। दोस्तों, कभी कभी कुछ प्रेम कहानियां साधारण तरीके से ही पूर्ण हो जाती है, ना कोई ड्रामा, ना कोई सस्पेंस, कभी कभी तो इसमें ही मजा आता है ना। जी हाँ। सो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको महक और जतिन की ये प्यारी सी लव स्टोरी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज कमेंट कीजिए। बाय बाय।